देखिए देखिए दोस्तों, पानी कितना तगड़ा भरा हुआ है। क्या है, गड्ढा है क्या? देखिए गड्ढा है, पता ही नहीं चल रहा किधर है, कब डूब जाऊं मैं। जब धोरी में थोड़ा पानी अरे लगी हो, सोना समझिया जवानी तो चढ़े लगी, वे वाला बात है। देखिए अब पानी धोरी तक पहुंच रहा है, हमारा जवानी भी चढ़ने वाला है। ये देखिए देखिए, सार के ढोरी तक पानी पहुंच चुका है, मतलब सार के जवानी चढ़ने वाला है। हाँ वो देखो हमारे गणेश भाई, वो देखो गणेश भाई पानी में पूरा डूबे हुए हैं मस्त मजे में। गणेश भाई के ढोरी में आप पानी भरने वाला है, मतलब जवानी इनका चढ़ने वाला है। ये देखो हमारे संतोष भाई डबल व्यू में, संतोष भाई जा रहे हैं उधर, हाँ इधर हम भी है, उधर संतोष भाई जा रहे हैं, चल रहे हैं दोनों बना इधर से, इधर से, इधर से, इधर देखिए राम सकल भाई आ रहा है पानी में डूब डूब के मजे लेते हुए पूरा। वीडियो कॉलिंग लगा, वीडियो कॉलिंग नहीं चल रहा है सब, रिकॉर्डिंग करना भेजना है। हाँ रिकॉर्डिंग ही है। ये देखे चला जाएगा, ये देखे राम सकल भाई, दोनों है भाई, दोनों है, डबल व्यू है, पीछे का भी है, डबल दिख रहा है, पीछे का भी, आगे का भी। हां एक बार में, हां ऊपर 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 देखो भाई, गड्ढे में डूब रहे हैं हम। ये सिर्फ आपके लिए पानी में डूबा, वरना घर में बैठ के आराम से मैं मैगी बना के खा लेता यार। दिखा रहा हूँ आपको उत्तराखंड में बाहर, उत्तराखंड में बाहर आपको दिखा रहे लगातार 24 घंटे से, जुड़े रहिए बाढ़ में। हर जगह गड्ढा है, देखिए ब्लॉग बनाते बनाते किस गड्ढे में गिर जाओ कोई गारंटी नहीं है। ये देखिए इसका नाम है धनपुरा, लेकिन यहाँ पे धन कम है, पानी ज्यादा पूरा पूरा है। ये देखिए कांवर वाले भी जा रहे हैं इधर, भोले बाबा की भक्ति में कमी नहीं होनी चाहिए, कोई कमी नहीं। ये देखिए मार्केट है, ये जगह का नाम है धनपुरा, यहाँ पे धन तो नहीं दिख रहा है लेकिन पानी पूरा पूरा दिख रहा है। हाँ ये देखो, कल तक गाड़ी कैसी कैसी हो जाएगी, ये तीन बच्चे लगातार देखते रहिए हमारे साथ पानी में, धनपुरा में पानी में पूरा पूरा डूब के हम वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। ये देखिए पानी, ये देखिए देखते, वो देखिए हमारे सेठ जी, सेठ जी ने हमें कैमरा पकड़ा रखा है, पीछे पीछे आ रहा है, वो देखिए सेठ जी से लगातार देखते रहिए। सेठ जी अपना लहंगा उठा के चल रहे हैं, हैं सेठ जी लहंगा उठ जाए तो रिमोट से। हाँ देखिए सेठ जी का लहंगा, आए हाय, सेठ जी के मुंह में एनी टाइम गुटका रहता है, मतलब बाढ़ का भी पूरा पूरा मजा लीजिए और गुटका का भी पूरा पूरा। देखिए हमारे साथी लोग संभालते हुए कि कहीं हम गड्ढे में उधर ना जाए, क्योंकि वजन है 42 किलो और पानी आ रहा है हम पे 40 किलो 80 किलो। ये देखिए इधर नहाया भी जा रहा है, ये देखिए शनि देव का मंदिर, नौ ग्रह यहीं पे पानी में सारे। ये देखे ये सरकारी स्कूल, इधर सरकारी स्कूल, ऐसे भी शिक्षा में डूबा रहता है पानी में तो ये जरूर डूबेगा, ये तो गारंटी से विश्वास था पूरा। ये देखे सरकारी स्कूल की दशा तो ऐसे ही है, और लिखा है क्या, गाय भैंसों के थनों से क्या लिखा है, निकाला या दूध में पता नहीं कुछ लिखा हुआ है, साफ दिख नहीं रहा, या हमें हिंदी पढ़ने भी नहीं आती है उतनी। ये देखे भाई साहब पानी में पूरा मजे डूब रहे हैं, ये देखो लगातार यहाँ गाड़ी में पानी घुसे जा रहा है, गाड़ी खराब होती जा रही है। तो भाई जो गाना आपने सुना होगा, जो गाना आज से कम कुछ सालों पहले भोजपुरी में लॉन्च हुआ था, प्रमोद प्रेमी का मेरे ख्याल से गाना था,
कि जब डोरी में तोरा पानी अरे लागी हो सोना समझिया जवानी तो चढ़े लागियो। तो जिस सोना के डोरी में पानी नहीं अर रहा भैया यहाँ आइयो, फुल टू फुल पानी अरेगा और जवानी चढ़ते रहेगा। देखो हमारे सार के जवानी चढ़ रहा है, लगातार देखते रहो जवानी में पानी और पानी में जवानी। शादी करने जाना है, सार को शादी करने भी जाना है। सार का 11 बजे रात को ट्रेन है, अब पता नहीं ट्रेन कौन से रास्ते में चलेगा, कौन से रास्ते से जाएगा। ये देखे इधर देखो, इधर देखो हम भाई कंकड़ पे चल रहे हैं आपके लिए वीडियो बनाते हुए। गड़ गया कंकड़ यार पैर में, कंकड़ दिखा दे कंकड़। देखिए देखिए कंकड़, यही कंकड़ पे हम चले जा रहे हैं आपके लिए वीडियो बनाते हुए, क्योंकि रोड रोड तो था लेकिन पानी में बह गया ना, कंकड़ कंकड़ बचा है। पानी नहीं उड़ा भाई, यहाँ पे भ्रष्टाचारी भरी हुई है, कूट कूट के हर जगह भरी हुई है भाई, हर जगह उसी के निशानों पे हम चलते हुए। भाइयों बारिश में यहाँ पे सब मरे जा रहे हैं, लेकिन कुत्ते कुतियों का रोमांस लगातार चालू है, तो जुड़े रहिए। भले वीडियो शूट नहीं हो पाया लेकिन हमने अपने आंखों के कैमरे से देख लिया है। और भाई इस बरसात में एक बिजनेस अच्छा चालू है भाई, देखो गाड़ी वाले लगातार गाड़ी से इधर उधर आवागमन कर रहे हैं, ठीक है, और पानी में जाते गाड़ियां खराब हो जा रही है। तो जिनका बिजनेस ठप हो गया उनके लिए आइडिया है कि एक भाई गैरेज खोल लो, लगातार आपका बिजनेस। अभी मैं आया हूँ, लगभग वहाँ पे 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ लगी हुई है, बिजनेस उनका लगातार चालू है। गोबर मत ढोना बिल्कुल, देखो गोबर ढो रहे हैं, गोबर बिल्कुल नहीं ढोना है। हाँ मेरे ग्रुप में इतने हरामी लौंडे, इतने हरामी लौंडे कि मैं बता नहीं सकता। उधर एक बुजुर्ग, मेरी बात सुनिए, उधर एक बुजुर्ग आदमी का गाड़ी फंसा हुआ था पानी के अंदर, उसने बोला भैया यार थोड़ा धक्का मरवा दो। बोला यार मेरे पास टाइम नहीं होता, गड्ढा है मैं नहीं जा सकता, डूब जाऊंगा। वहाँ पे एक लड़की की स्कूटी फंसी हुई, उधर उस लड़की ने कुछ बोला भी नहीं, धक्के तो मेरे को बोल रहा है कि धक्का मार दो क्या आपका स्कूटी, लाइए मैं वहाँ तक छोड़ा था। बताइए इतना आरामी लौंडा है, अरे किसी उसको देने के लिए धक्का तो बहुत आदमी है, उस बुजुर्ग आदमी की मदद करनी चाहिए ना। मैं अकेला बंदा, अकेला शरीर में मेरा 40 किलो वजन होगा, फिर भी मैं धक्का दे के लेके गया। बताइए इंसानियत इसे कहते हैं, इन जैसे इंसानों को, ये इंसान कहाँ है यार, कहाँ इंसान है। हाँ यार हाँ भाग चले भाई, देखो यहाँ पे कुत्ते हमें देख के भौंक रहा है, इसका मतलब ये नहीं सोचना कि मुझे देख के भौंक रहा है। ये तीनों को देखे गौर से, उनके रिश्तेदार है, ये तीनों रिश्तेदारों को बोल रहा है कि यार हम यहाँ पे पानी में भटक रहे हैं, तुम वहाँ घूम रहे हैं, इसलिए इनको ये कुत्ते बुला रहा है। ये देखे ये तीनों रिश्तेदार है उस कुत्ते के, देखो अभी भौंक रहा है, देखो आ रहा है पीछे पीछे ही आ रहा है, जूम करके दिखाओ क्या, वो देखो पीछे पीछे आ रहा है। ये देखो दोस्तों, ऐसे ऐसे आदमी दुनिया में है जिसका कोई कमी नहीं है, पूरे उत्तराखंड में बाढ़ आ रखा है। देखिए उत्तराखंड में पानी भरा हुआ है, देखिए गौर से, लेकिन ये टॉयलेट भी इसी बाढ़ में मिला रहा है। देखिए ये क्या नाइंसाफी, इतना नाइंसाफी यार, बाढ़ में बाढ़ लाए जा रहे हैं, शर्म करो यार, शर्म करो, तुम पे तो केस होना चाहिए। वो तो हम जागरूक जनता है, देखिए वो तो हम जागरूक जनता है जो आपको ऐसे मिनटों मिनटों की खबर दिखाते जाते हैं, ऐसी बुरी हरकतों को दिखा रहा है। इन जैसे लोगों के लिए लाइक कीजिए, देखिए खुलेआम देखिए हंसते हुए आ रहा है, देखिए देख रहा है हंसते हुए आ रहा है, जैसे कुछ किया ही नहीं है, पानी कमा रहे है। अरे भाई साहब तुम बाढ़ में नहीं उसी मुंह में डूब जाओ। ओ इधर देख लो, इधर देखो भैया, यहाँ पे नमूने की कमी नहीं है, पूरे उत्तराखंड में बारिश हो रही है, लेकिन ये देखिए बारिश में कपड़े सुखाए जा रहे हैं, गौर से देखिए इन शख्स को, गौर से। ये देखो दोस्तों ये नजारा बिल्कुल, देखिए इसके पैरों के सामने पूरा पानी भरा हुआ है, ये पानी पूरा आर पार जा रहा है। ये देखो दोस्तों, ये हमारा जिगरी दोस्त धनंजय आ रहा है, इसके गांव वाले उधर पानी नापने गए हैं, पीछे पीछे ये भी जा रहा है। देखो सबका वीडियो दिखाऊंगा, सबका रिकॉर्डिंग कर रखा है। ये देखे पानी में डूब के जा रहा है लहंगा उठा के। ये देखिए दोनों वाले भैया, पिकअप वाले भैया हम पे पानी उड़ा रहे हैं, शर्म करे थोड़ी सी। ओए धनंजय, ए, वो पकड़ा।
ये देखे वो सार का टिकट है 12 बजे रात का, और सार जा रहा है शादी करने। सार से उम्र में हम बड़े हैं, बताइए सार गद्दारी करवे, इतना बहन क्या गद्दारी करवे, हमसे पहले ब्याह करवे, हमसे पहले ब्याह करवे, तोरा बहन के 12 बजे जाएगे, बताइए था। सार धोखे बाद निकल गया, अब मुझसे कह रहा है कि भाई मैं जा रहा हूँ कांवर में भोले बाबा के यहाँ, जा रहा शादी करने, लड़की देख रहा है, मैं बताता कना रहा जैसे इसकी लोंडिया को हम लड़की को भगा के ले जाएंगे, बताओ। हाँ यार ओ मेरे सारा तूने क्या किया, ये तूने क्या किया, 12 बजे का टिकट कटा के तूने लड़की का नंबर लिया, ओ मेरे सारा क्या किया।